मैं इस गाड़ी के पीछे पिछले 8 साल से था और ये गाड़ी है रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट 1924 और ये गाड़ी मुझे जो है वो नवाब भालपुर के पोते जो कि मेरे दोस्त हैं ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ कि जब जिस वक्त ऑक्शन हुआ तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप ये गाड़ी जो है वो मेरी तरफ से आप इस गाड़ी के लिए बोली बोलें एंड ही वॉज़ वेरी जेनरस इनफ कि उन्होंने जो है वो मेरी बात रखी और ये मेरी तरफ से बिडिंग दी और इस तरीके से ये रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट 1924 जो कि रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट का आखिरी मॉडल है इस तरीके से मिली। गाड़ी की हिस्ट्री है कि ये गाड़ी 14 अगस्त 1947 को जब कायदे आज़म ने ओथ लिया था तो नवाब भालपुर से रिक्वेस्ट की कि जी एक गाड़ी काइंडली वो दें जिसमें वो लॉर्ड माउंटबेटन को रिसीव करें और ओथ टेकिंग सेरेमनी अटेंड की जाए और ये वही पर्टिकुलर गाड़ी है जिसमें कायदे आज़म साहब ने ओथ लिया है। ये गाड़ी जिस वक्त ऑक्शन हो रही थी उससे पहले 40 साल से नवाब भालपुर के पैलेस में ये बंद खड़ी हुई थी और जिस वक्त मैं ये गाड़ी ले रहा था उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया कि ये गाड़ी ना लो क्योंकि इतनी पुरानी 81 ईयर्स ओल्ड गाड़ी का जो है वो पार्ट्स अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे बड़ा शौक था मैंने ये गाड़ी ली और मैंने इसकी हर चीज़ जो है वो इंग्लैंड से और अमेरिका से अरेंज की। ये गाड़ी के अंदर से तमाम इंजन की चीज़ें गाड़ी के अंदर से बैठ के कंट्रोल की जाती है। फॉर इंस्टेंस दिस टिक या दिस लीवर इज़, ये लीवर जो है ये गाड़ी की टाइमिंग को एडवांस और रिटायर करता है। डिस्ट्रीब्यूटर अंदर से ही बैठ के आप गाड़ी का कंट्रोल घुमा सकते हैं जिससे गाड़ी आपकी एडवांस और रिटायर होती है। ये लीवर जो आप देख रहे हैं ये जो है ये गाड़ी का कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट है जिससे आप पेट्रोल रिच और वीक कर सकते हैं। और अगेन दिस लीवर ऑन द लेफ्ट, ये जो लीवर है इससे आप जो है गाड़ी की आइडलिंग स्पीड जो है रेस जिसको कह लें वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अमेजिंग चीज़ है कि 1924 में भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस की हुई थी कि गाड़ी की अंदर बैठ के गाड़ी की तमाम चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी जब आप रोड पर लेकर निकलते हैं तो लोग जो है इस एरा की गाड़ी को देखते हैं और लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो वाकई इट्स अनएक्सप्लेनेबल। ये गाड़ी जब मैंने ली तो मैंने मेरे बेटे को एक मैसेज पास ऑन किया था, बेटा आपको पता है क्या मैसेज दिया था? क्या बताएं? ये गाड़ी हमें अपनी फैमिली में ही रखनी है और आई हैव टू पास इट डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। राइट, ठीक है ना, ये इस पे बड़ी मेहनत हुई है रेस्टोर करने में एंड यू आर लकी टू ओन अ कार लाइक दिस। थैंक यू।